नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, केआरके ने कमाल आर खान ने एक ट्वीट किया है, इट्स अ ट्रुथ दैट ओनली 6 कंपनीज कंट्रोल एंटायर बॉलीवुड एंड दे कैन फिनिश एनीवनस करियर इफ दे डोंट लाइक हिम और हर। नंबर 1 धर्मा प्रोडक्शन, नंबर 2 वाईआरके यानी कि आदित्य जो, नंबर 3 टी सीरीज यानी कि भूषण, नंबर 4 बालाजी यानी कि एकता कपूर, नंबर 5 नदियाडवाला यानी कि साजिद, नंबर 6 सलमान खान फिल्म्स। तो ये 6 कंपनियां इन्होंने बताई हैं कि ये 6 कंपनियां ही चलाती हैं, बाकी सबको उठने नहीं दिया जाता, बाकी सबका करियर बर्बाद कर देते हैं और कोई भी पनप नहीं पाता इनके रहते। लेकिन एक और भी है जिनके रहते भाई मेरे पनप नहीं पाते हैं, वो है रिव्यू करने वाले। रिव्यू करने वाले उठने नहीं देते हैं ऐसे जो नए कलाकार होते हैं, नई चीजें होती हैं, उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो वो मैं बात करता हूं कि भाई अगर आप इतनी बातें करते हो बहुत बहुत बढ़िया बात है आपकी, लेकिन जैसे मैं कहा था कि केदारनाथ फिल्म सुशांत सिंह की, वहां पे केआरके ने कहा था कि सुशांत सिंह को एक्टिंग नहीं आती है। उसके बाद जिसकी कंगना रनावत एक फिल्म की तारीफ कर रही थी कि ऐसी फिल्म को अवार्ड क्यों नहीं मिला है, यानी कि छिछोरे की बात कर रही थी कि छिछोरे जैसी फिल्म को अवार्ड नहीं मिलता है, दूसरों को अवार्ड मिल जाता है, यानी कि छिछोरे बहुत कमाल बढ़िया फिल्म थी। तो आप केआरके साहब का रिव्यू देखिए, केआरके साहब ने छिछोरे फिल्म का ऐसा जबरदस्त वाला रिव्यू किया है, यानी कि जबरदस्त वाला दूसरी सेंस में, कि उसका पूरा का पूरा बैंड बजाया है और साथ में सिर्फ एक की तारीफ की है एक्टिंग को लेके, वो है श्रद्धा कपूर जो कि ऑलरेडी स्टार डॉक्टर हैं। तो सुशांत सिंह की एक्टिंग की उन्होंने इतनी बुराई की, पता नहीं किसने कह दिया इसको कि ये एक्टिंग है, ये ऐसे ऐसे मुंह बनाता है, बहुत जबरदस्त बुराई की है। तो मैं यहां पे गुजारिश करूंगा कि भाई आप तो उठने दो, आप तो उनका जो छोटे फिल्म मेकर हैं, जो नए हैं, न्यू कमर्स हैं, उनका आप तो दर्द समझते हो, आप तो पेन समझते हो, आपको तो पता है कि इतनी बड़ी लॉबी है, तो उस मामले में आप तो थोड़ा अप्रिशिएट करो। एक रिव्यू जो बड़े रिव्यू करने वाले होते हैं ना, तो जैसे केआरके, काफी केआरके के रिव्यू को लोग मानते हैं, काफी देखते हैं, तो केआरके साहब आपके रिव्यू को देख के भी बहुत सारे लोग हैं जो पिक्चर देखने जाते हैं। आप नए बंदे की फिल्म का बैंड बजा दोगे तो फिल्म देखने जाएगा कैसे, पब्लिक जाएगी कैसे, फिल्म चलेगी कैसे? तो कहीं ना कहीं दोस्त आपके रिव्यू भी गुनाहगार हैं, वो भी दोषी हैं। तो आपको भी तो नए लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्या कहते हो दोस्तों? तो अगर आप मेरी बात की और तस्दीक करना चाहते हैं तो आप टाइप कीजिए गूगल पे, यूट्यूब पे केआरके रिव्यू केदारनाथ, केआरके रिव्यू छिछोरे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना दूध है और कितना पानी। धन्यवाद, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।